से कम 85,000 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन चार देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन चार देशों में मिलाकर 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि यदि पिछली सरकारों की तरह ही यूपी की बीजेपी सरकार का भी रवैया होता तो ऐसे नतीजों की कल्पना भी मुश्किल होती। इस मौके पर पीएम ने राज्य में पिछले 3 साल में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 साल में यूपी में गरीबों के लिए 30 लाख से ज्यादा पक्के घर बने हैं। राज्य ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। पारदर्शी तरीके से 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। इंसेफेलाइटिस महामारी से होने वाले मृत्यु दर में भी 90% तक की कमी आई है। वहीं नई सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण में राज्य आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में आज शांति है और कानून का राज कायम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान हो या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, यूपी सबसे आगे है। सरकार देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो भी कदम उठा रही है उसका बहुत बड़ा लाभ यूपी उठा रहा है। और देखिए, आज भी जब अन्य राज्य कोरोना से लड़ाई में जूझ रहे हैं, यूपी ने अपने विकास के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू कर दी है। एक प्रकार से आपदा से बने हर अवसर को यूपी सरकार साकार कर रही है। इस मौके पर पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही किसानों को अधिकार देने के लिए किए गए बड़े कानूनी बदलावों का जिक्र करते हुए इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान यूपी सहित पूरे देश के नागरिकों से पीएम ने एक बार फिर से अपील की कि वे कोरोना महामारी को लेकर बरती जा रही सावधानियों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न दें। ब्यूरो इनपुट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 साल में मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में पूर्वी भारत पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के तहत सबसे ज्यादा शौचालय बंगाल में बने हैं और सबसे ज्यादा जनधन खाते भी बंगाल में ही खुले हैं। पिछले 6 साल में अगर हम एक एक कार्यक्रम को उठा के देखेंगे मोदी सरकार की, उसकी प्राथमिकता में देश की गरीब है, देश की महिला है, देश की युवा है, देश की पूर्वी भारत को सबसे बड़ा हिस्सा उनके कार्यक्रमों में मिलती है। स्वच्छ भारत की आंदोलन हुआ, मां बहनों के लिए, मां बहन माताओं के लिए शौचालय बनाया गया। कहां शौचालय कम था? पूर्वी भारत में कम था, बंगाल में कम था। जनधन खाता खुलाया गया, गरीबों के घर में बैंक खाता नहीं था, बैंक खाता खुलाने का काम किया गया। कहां सबसे ज्यादा फायदा हुआ? तो बंगाल जैसे प्रांत में ज्यादा फायदा हुआ। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। 1 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं अब नहीं होंगी बल्कि एक फार्मूले के आधार पर परीक्षार्थियों को नंबर दिए जाएंगे। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से छाए संशय के बादल अब छट गए हैं। ये साफ हो गया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीएसई ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड के बचे हुए विषयों की होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। रद्द हुए विषयों में छात्रों का मूल्यांकन सीबीएसई की नई मूल्यांकन नीति के तहत होगा। इस मूल्यांकन नीति के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर 15 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे ताकि छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकें।
बारहवीं के बचे हुए विषयों के लिए वैकल्पिक परीक्षा का आयोजन माहौल अनुकूल होने के बाद किया जाएगा। जो छात्र अपना प्रदर्शन सुधारना चाहे वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दसवीं के बचे हुए विषयों के लिए कोई वैकल्पिक परीक्षा नहीं होगी। जो परिस्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने CBSE की उस प्रस्ताव को सहमति दी जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। At the outside, the Learned Solicitor General of India made a categorical statement that we agree in principle that it won't be conducive to hold exams for CBSE for the remaining papers in the month of July. So he made the statement categorically saying that the CBSE exams which were to be commenced from 1st of July till 15th of July stands cancelled. Number two, the Solicitor General made this statement also that they are working on some mechanism to award marks for the remaining paper as per the assessment. CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी मूल्यांकन नीति के बारे में जानकारी दी है। इस मूल्यांकन नीति के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो छात्र सभी विषयों की परीक्षा दे चुके हैं उनका मूल्यांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जो छात्र 3 से अधिक विषयों की परीक्षा दे चुके हैं उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 3 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों के लिए ही परीक्षा दी है उनके बचे हुए विषयों का मूल्यांकन उन 2 विषयों के औसत के आधार पर होगा जिनमें छात्र को सबसे अधिक अंक मिले हों। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 12वीं के छात्र जो 1 या 2 विषयों की ही परीक्षा दे पाए हैं उनके परिणाम उन विषयों के प्राप्तांक और